तो गाइस रात का टाइम हो रहा है, यानी कि सुबह सुबह होने वाली है। और सुल्तान ने मुझे जगा दिया। सुल्तान बोलता है मुझे होमवर्क लिख के दो। तो अभी इसकी थोड़ी मैं हेल्प कर रहा हूँ होमवर्क लिखने में। मैं ना हल्का हल्का लिख के इसे दे दिया। अभी गया उसके ऊपर जो है ना पेंसिल फेर रहा है, ताकि टीचर को शक ना हो किसने लिखा है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी जो है ना हल्की हल्की सुबह हो चुकी है। और अभी चलते हैं हम लोग जाके वजू कर लेते हैं नमाज का, और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। इधर देखें ये बैठा हुआ है यहाँ पे, टिकटॉक चला रहा है। वो भी डाउनलोड की हुई है इसने, इतनी सारी वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं। आजा उठ उठ, एक चीज़ देखो। हाँ दिखाओ एक चीज़। उठना, चल नमाज पढ़ते हैं। आजा नमाज का वजू करें, आजा। क्या हुआ? यही देखता है बस, जब गिरेगा ना फिर आएगा मजा। देखो अपनी बैक लाइट तोड़ दी, अपनी लाइट तोड़ दी। मुझे लगता है स्कूटी चलना। अच्छा उठ जा, आ जा, चल रहे नमाज के लिए। नहीं चलना क्या? उठ 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 उठ, चल। सुबह से बैठा हुआ, मुझे भी यहीं पे खड़ा कर लिया अपने साथ ही। चल सीधा और चले नमाज का वजू करने। तो वैसे अभी मैं और सुल्तान फजर की नमाज पढ़ने, दोनों साथ में पढ़ने, और मम्मा हमारी वीडियो बना रही। वन वन टू थ्री फोर फोर फाइव 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 सिक्स seven eight nine ten eleven twelve मेरे साथ भी यही होता था बचपन में। चल चल दोबारा दोबारा ट्वेल्व टू नहीं ट्वेल्व टी डब्ल्यू फिर ओ ई ले, ये देखना टू की स्पेलिंग, ये टी डब्ल्यू टू, लेकिन आपने ट्वेल्व की सुनानी है। देख ली, मैं वो वाली सुना रहा था जब टी डब्ल्यू और टू फिर आगे टी डब्ल्यू एन, वो नहीं होता ना। चलो 11 तक सही हो गई आपकी स्पेलिंग, अभी 12 और 13 की याद करनी है। तो गाइस अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है, और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारी चाय पड़ी हुई है तीनों भाई की, और इस साइड पराठा पड़ा हुआ है। अभी हम तीनों भाई बैठ के खाना खा रहे हैं। सुल्तान आज स्कूल जाएगा। हाँ मुन्ना, क्या हो गया? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हाँ भाई, आपके क्या विचार हैं? ये हो नहीं सकता। बस ये दोनों के यही विचार है, ये हो नहीं सकता, लेकिन ये होगा, ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देखें सफाई चल रही है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं काशिफ चाचू और मुदम्मिल दोनों मिलके। तो यहाँ से सफाई कर लें, उसके बाद हम लोग खेलेंगे यहाँ पे क्रिकेट। तो गाइस अभी जो है ना मैं रेडी हो चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अहमदपुर की तरफ। अहमदपुर की तरफ मम्मा बोल रही हैं जाओ जाके कुछ सामान लेना है, वो लेके आओ। तो अभी मैं और सुल्तान फ़िलहाल जा रहे हैं, और जाके वो सामान लेके आते हैं जो मम्मा बोल रही हैं हमें। तो गाइस ये भी रेडी हो चुका है, और इसने बैग पहन लिया। इसके अंदर जो है ना ये सामान डालेगा, जो सामान इसे डालना होगा। ऐसे मुँह क्यों बनाया हुआ है? जो सामान इसे डालना होगा वो इसमें डाल देगा। पकड़ता कुछ नहीं है, बोलता मैं इसमें डालूँगा बस। तो फिर चलते हैं सामान लेके आते हैं। चल मन्ना, तो
अभी मैं अहमदपुर में पहुंच चुका हूं, पैसे भी निकलवा लिए हैं और यहां से मम्मा की कुछ दवाई बनाती है मम्मा, तो उसके लिए सामान ले रहे हैं, अजवाइन, सौंफ, कलवंजी वगैरह इस तरह का कोई सामान है वो ले रहे हैं यहां से। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं यहां से, फ़िश ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं पकी हुई मछली जो है वो है 600 रुपये किलो, और जो हम लोग कच्ची ले रहे हैं तो ये कच्ची फ़िश का बोल रहे हैं कि ये है 450 रुपये किलो है? तो अभी हम लोग ये ले रहे हैं यहाँ से, ये देखें। तो गाइस अभी प्लान चेंज हो चुका है हमारा, तो हम लोग जो है ना पकी हुई ले रहे हैं, अभी ये जो है ना हमें पका के देंगे, तो पकी हुई मछली ले रहे हैं अभी यहाँ से। अभी सबसे पहले ये साफ़ कर रहे हैं इसको, उसके बाद ये मसाला वगैरह लगाएंगे बनाएंगे। तो गाइस अभी मछली के पीसेस वगैरह हो चुके हैं और अभी इसको धो रहे हैं, पानी में डाल के इसे धो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मसाला लगाया जा रहा है मछली में, तो अभी ये मसाला लगा रहे हैं अच्छे से। ये मैदा था, अभी इन्होंने मैदा डाला और यहाँ पे गरम हो रहा है हमारा ऑयल, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है और यहाँ से हमारे जो फिश है इसको मसाला वगैरह लग चुका है, और बस अभी ये जाएगी इस ऑयल में। तो अभी ये ऑयल में डाल रहे हैं इसको, ये बस थोड़े टाइम में ही रेडी हो जाएगी, फिर हम लोग इसे लेके घर चलते हैं, क्योंकि अगर घर लेके जाते तो फिर आग जलानी पड़ती और मसाला वगैरह अलग से बनाना पड़ता, ऑयल भी वेस्ट होता, तो इससे अच्छा हम लोग पकी हुई ले जाएं, तो पकी हुई सही है। तो गाइस अभी हमारी फ़िश बन के रेडी हो चुकी है और अभी बस इसे निकाल रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद बस हमें पैक करके दे देंगे। ये देखें गाइस फ़िश पार्सल हो चुकी है, अभी इनसे रायता ले रहे हैं, तो रायता भी आ गया, अभी घर चलते हैं। सही है सुल्तान, हाँ सामान भी है हमारे पास, हमने सब्ज़ी वगैरह ली थी तो सब्ज़ी भी उठाते हैं। तो गाइस शहर से गुजरते वक्त मुसीबत तो लाजमी आती है, क्योंकि सामने से ट्रेन गुजरती है, इसीलिए बंद किया हुआ है। तो गाइस आ चुके हैं अभी हम लोग अपने घर में, और अभी जो है ना फिश खाई जा रही है, मैं फिश लाया था ना, तो अभी हम लोग वही खा रहे हैं। वैसे मेरे लिए इसमें पानी भर के आया और ये पड़ा हुआ है मेरा हिस्सा फिश का। तो गाइस अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ। तो गाइज़ आई एम सो सॉरी कि आज जो है ना मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि आज जो है ना मेरे जो मोबाइल में पैकेज था वो ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से जो है ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं अहमदपुर तो गया था, इसी काम से ही गया था, लेकिन काफ़ी रश और गर्मी थी जिसकी वजह से मैं भूल गया था लोड करवाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ जाके लोड वगैरह करवाऊँगा और फिर आऊँगा और वीडियो अपलोड फिर बाद में करूँगा, पहले जाते हैं जाके पैकेज वगैरह करवा के आते हैं। पैकेज आसान लफ्ज़ों में पैकेज ख़त्म हो गया था। आ चुका हूँ मैं अभी अपना पैकेज लगवा कर, तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सिग्नल सही आते हैं तो इधर ही वीडियो अपलोड होती है, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस दादा अबू यहाँ पे आके बैठे हुए हैं अभी। तो गाइस पहले तो मैं चला गया था दादा अबू के पास, जाके मैं बैठ गया था, फिर उन्होंने बातें की, थोड़ी बैठा रहा मैं, मैंने कहा भाई दादा अबू आप हमारी वीडियो में क्यों नहीं आते हो, अपनी हमारी वीडियो में बोलते क्यों नहीं हो, आप जो है ना अपनी कहानियाँ सुनाओ, कोई बचपन की कहानी सुनाओ या फिर कोई जवानी की कहानी सुनाओ, या फिर दादा अबू को फौजियों के बारे में बहुत पता है ना, तो मैं बोला फौजियों के बारे में कुछ बताओ, दादा अबू बोलते बस बचपन गया जवानी गई, बस फौजी भी फौजी अपने काम पे हैं, आप भी चुप करके बैठो मुझे कुछ नहीं बताना। पहले दादा अबू बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, स्टोरीज बताते थे, बहुत यानी कि बहुत अच्छा लगता था तब। अभी तो दादा अबू बात भी बहुत कम करते हैं, पता नहीं। तो फिर जो है ना हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, फिर मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दिया, गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। गेम में फिर मुझे मिला मुस्तफ़ा से बात करने सारे बच्चे आ गए, सुहेल, मुजम्मिल, उधर से एक बच्चा घूम रहा होता है क्या नाम कालू का नाम असली क्या है यार, उसको हम ऐसे ही कालू बुलाते हैं, उसका असली नाम है साबिर, वो आ गया, एक दो और बच्चे आ गए, सारे मुस्तफ़ा से बात करने आ गए। मैं बोला भाई गेम खेल रहे हैं, गेम के बीच में तो उससे पूछ रहे हैं हाँ मुस्तफ़ा क्या हाल है, कब आओगे यहाँ पर, कब आओगे
गांव में हम लोग खेलेंगे, आज हमने क्रिकेट खेली, यानी कि फुल मोबाइल फ़ोन वाली फीलिंग आ रही थी। सारे जो है ना समझ रहे थे कॉल की, मैंने बोला भाई गेम खेल रहे हैं, गेम में जो है ना ऑनलाइन है और बात यानी कि बात कर सकते हैं गेम के बाद। तुम तो भाई पूरा अपना सब कुछ पूछने बैठ गए, कब आ रहा है, कब खेलेंगे, क्या खेला आज हम लोगों ने, ये क्या हो गया, सब कुछ भाई उसे गेम में बता रहे हैं। मैं भाई और बंदे भी सुन रहे होंगे, वो क्या बोल रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सारे बच्चे आ गए उससे बात करने के लिए। मैंने कहा भाई दो मिनट रुक जाओ, कॉल मिला देता हूँ, कॉल पे बात कर लेना, दो मिनट मुझे गेम तो करना। बोलता नहीं नहीं बस थोड़ी सी बात करने दो, थोड़ी सी बात करने दो। तो गैस बस आज का अपना ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। पहले